locus of midpoint of the portion of the tangent to the ellipse intercepted between the axis. क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा. इस डीपी में मोस्टली क्वेश्चन सब्जेक्टिव इन नेचर हैं, ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है, इससे वो डरते हैं थोड़ा, कैलकुलेशन लेंदी होता है. कोई पॉइंट पी जनरल मान लिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, सही. वो क्या चाहते हैं, यहां से मैंने एक ट्रेंजेंट खींचा ना, ठीक, तो वो कट किया मान लीजिए इसको बी पे और इसको ए पे कट किया, तो वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, इसका मिड पॉइंट जो मान लीजिए मैं क्यू एच कॉमा के मान रहा हूं, इसके लोकस को वो इंटरेस्टेड है. तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहली बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, ए पे बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एट पी, ठीक, एट पी, पी बराबर जीरो लगा दूं तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू वन. यहां पे एक्स इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये जो पॉइंट होगा इसको ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा कॉमा जीरो, और इसकी बात करूं तो बी बाई साइन थीटा, मतलब जीरो कॉमा बी बाई साइन थीटा. अब इन्हीं दोनों का एच कॉमा के क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, एच इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, सही. सिमिलरली के इक्वल टू बी बाई साइन थीटा डिवाइड बाई टू, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी टू ए, नहीं, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी ए बाई टू एच, ए बाई 2h और cos थीटा उधर ले गया. ऑन द सेम नोट sin थीटा की वैल्यू होगी b बाई 2k. एलिमिनेट करना है तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग जैसे ही करूंगा यहां पे बता दीजिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर के स्क्वायर इक्वल टू वन. लास्ट में एच के जगह पे एक्स रख देते हैं, तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. चलिए.